हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 19 जैन इवनिंग स्लॉट लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स के बारे में। पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये नहीं कह रहा कि यही आंसर करेक्ट है। ये जो आंसर है जो मैं बताने वाला हूँ, ये बच्चों ने ही शेयर किए हैं। अगर आपका आंसर डिफरेंट है तो प्लीज अपने वाला जो आंसर है कमेंट कर आपने जरूर से बता देना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जहां पर ही मिलती है, आपके रिजल्ट भी कई बार डिले हो जाते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको जहां पर ही मिल जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा लिसनिंग के आंसर्स। लिसनिंग का जो फर्स्ट आंसर है वो फोन या फिर वर्क में एक था, जो एक आंसर थ्री था। उसके बाद पार्क, एक आंसर था स्विम, फ्लाइट, 16 का आंसर ए, 17 का ई, 18 का ए और 19 का एफ, 20 का सी, 31 का आंसर गोल्ड बताया जा रहा है। और एक आंसर था बटर, सोशल क्लाइमेट, वूमेन, 500 BC भी एक आंसर था, होटल, 21st का ए, 22nd का बी, 23rd का सी, 24th का ए, 25th का ए, 31st का गोल्ड और 40 का जो आंसर है वो सिल्क बताया जा रहा है, 39 का मेटल, 38 का वूमेन और उसके बाद आपके 9th का आंसर था 15 दिसंबर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टास्क 2 का जो हमारा PDF है वो बाय नहीं किया तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कितनी वेट और करोगे, इसका जो प्राइस है ओनली 150 है। जनवरी मंथ में जो भी ILS का एग्जाम हुआ है, टास्क 2 हमारी मटेरियल से रिपीट हुआ है। 19 जैन मॉर्निंग स्लॉट के दोनों टास्क हमारे PDF से आए हैं, इवनिंग स्लॉट का कुछ लोकेशन पर हमारे PDF से आया है। 14 जैन के मॉर्निंग स्लॉट के दोनों टास्क हमारे मटेरियल से रिपीट हुए हैं। 14 जैन का इवनिंग स्लॉट का सेम टास्क 2 हमारे मटेरियल से आया है। 7 जैन का मॉर्निंग स्लॉट का मिलता जुलता टास्क 2 आपको हमारे मटेरियल से देखने को मिला है। 7 जैन का इवनिंग स्लॉट का सेम टास्क 2 जो कि हमारे PDF में पढ़ा था, वही रियल एग्जाम में आया है। अगर आपको जो बाय करना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, 150 प्राइस है। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल ID भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम बात करते हैं रीडिंग के आंसर्स के बारे में। फर्स्ट का आंसर जैस, सेकंड का नॉट गिवन, थर्ड का नो, फोर्थ का जैस, फिफ्थ का नो, सिक्स का डी और उसके बाद आपका 7 का सी बताया जा रहा है, 8th का डी, 9th का ए। थर्ड पैसेज के जो आंसर थे सी, बी, अलाइज, ज्योग्राफिकल, उसके बाद नॉलेज एक आंसर था, इंडिया, कॉलोनीज, वेल्दी और एक आंसर इन्होंने बताया डी, बी, ए, डी, जे। आपने देख लेना कि क्या आपने जे आंसर लाया है या फिर नहीं, या फिर आपने कुछ और लगाया है। ऑर्गेनाइजेशन एक आंसर था थर्ड पैसेज का, उसके बाद 10th का डी, 11th का बी, 12th का बी, 13th का ए। ये कुछ आंसर हैं जो हमें पता चले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बता देना और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।